महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों की रैलियां जारी हैं। इसी कड़ी में सोमवार को राहुल गांधी हरियाणा के नूह पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि राहुल गांधी ने रविवार को महाराष्ट्र के चांदीवली और लातूर में जनसभा को संबोधित किया था। यहां राहुल ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार धारा 370 और चांद की बात करती है, लेकिन देश के समस्याओं पर चुप रहती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी हरियाणा के नूह में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। मारुति फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, टाटा की फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, करोड़ों युवा बेरोजगार, और नरेंद्र मोदी एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। और यहां पे खट्टर जी, मन की बात, हर 10 दिन मन की बात। तो मैंने सोचा अपने भाषण में शुरुआत में मैं मन की बात के बजाय काम की बात करता हूं। और ये आप समझ लो कि यहां से जो स्टेज से मैं आपको कह रहा हूं वो होगा। और मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आप जाइए कर्नाटक चले जाइए, वहां पूछिए कर्जा माफी हुई हाँ या ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जाके पूछ लीजिए। जो हम स्टेज से कहते हैं हम करके दिखा देते हैं। तो मैं आपको शुरुआत में कहना चाहता हूं, आपके 3-4 मुद्दे हैं यहां पे मेरे सामने लिखे हुए हैं। पहला मुद्दा, गुड़गांव से अलवर की रेलवे लाइन। दूसरा, न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज को यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी का दर्जा देना। तीसरा, कोटला लेक एक्सपेंशन। और चौथा, मेवात कनाल। मैं आपको यहां झूठे वायदे करने नहीं आया हूं, मगर मैं आपको डायरेक्ट सीधा बोल रहा हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो ये काम चारों हो जाएंगे। ये थी काम की बात। अब थोड़ी मन की बात करता हूं। शैलजा जी ने सही कहा, विचारधारा की लड़ाई है। इस देश में अलग अलग जात के लोग रहते हैं, अलग धर्म के लोग रहते हैं, अमीर लोग, गरीब लोग, युवा बुजुर्ग सब रहते हैं एक साथ। और इन सब लोगों को हम हिंदुस्तान कहते हैं। कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है और हमारा काम लोगों को जोड़ने का है। बीजेपी और आरएसएस का काम जो पहले अंग्रेज करते थे, देश को तोड़ने का काम, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाने का काम, गरीब को अमीर से, हिंदू को मुसलमान से, महाराष्ट्र के लोगों को हरियाणा के लोगों से, जहां भी ये जाते हैं किसी ना किसी को लड़ा के वापस निकलते हैं। और नतीजा आपको दिखाई दे रहा है, नतीजा दिख रहा है। अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ गई, किसी भी प्रदेश में चले जाओ। मैं कुछ दिन पहले गुजरात में था, कल महाराष्ट्र में था, और वहां किसी से पूछ लो, भैया बताओ काम कैसा चल रहा है। छोटे दुकानदार के यहां चले जाओ, पूछो भैया क्या हो रहा है, छोटी फैक्ट्री में चले जाओ, मीडियम साइज बिजनेस में चल पड़े, उनको छोड़ो, सबसे बड़े उद्योगपतियों से पूछो,
काम कैसा चल रहा है आपको सबके सब बताएंगे, भैया बेड़ा गर्क हो गया, यहां पे तो सत्यानाश कर दिया नरेंद्र मोदी ने, मार दिया, खत्म कर दिया। पहले नोटबंदी, आप सबसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, सबको लाइन में खड़ा किया, कहा था काले धन की लड़ाई है, लाइन में आप लोग खड़े, हिंदुस्तान का किसान खड़ा, युवा खड़ा, बेरोजगार खड़ा, माताएं बहनें खड़ी, उस लाइन में आपने अनिल अंबानी को देखा था क्या? खड़ा था क्या वो अदानी? खड़ा था उसमें? एक काले धन वाला उस लाइन में नहीं खड़ा। आपके जेब में से पैसा निकाला, लाखों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब से निकाला, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, अंबानी, अदानी, इनकी जेब में डाला, वहां नहीं रुके। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स, जो बचा था वो भी आपके जेब से निकाल दिया। 5 अलग अलग टैक्स, 28% टैक्स, यहां कोई है जो कह सकता है हां जीएसटी से मुझे फायदा हुआ है? कोई एक यहां पे है आदमी? एक आदमी को फायदा नहीं हुआ। हिंदुस्तान के 15-20 सबसे अमीर अरबपतियों को फायदा हुआ, वो जीएसटी चाहते हैं। छोटे दुकानदार, मिडिल साइज बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, सब खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी उनका बिजनेस हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15-20 लोगों को देना चाहते हैं। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, अगर आप देशभक्त हो तो यह समझाओ कि हिंदुस्तान की जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, जो पूंजी है हिंदुस्तान की, उसको आप अपने अरबपति मित्रों को क्यों दे रहे हो, क्यों बेच रहे हो? एक ही लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी जी, खट्टर जी, इन 15 लोगों के लिए काम करते हैं। नाम आप जानते हो, अरबपति हैं। नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक काम है कि आपका जो ध्यान है सच्चे मुद्दे से उतरकर इधर उधर चला, इधर उधर जाता रहे, कभी चांद की ओर, कभी कॉर्बेट पार्क। आप सच्चाई पर सवाल ना पूछो, और ये इनके मीडिया के मित्र हैं, ठेका लगा हुआ है, ठेका, मैं बता रहा हूं, ठेका लगा हुआ है। आपने कभी देखा है, कि भैया टीवी पे, आपने कभी टीवी में देखा है कि भैया हिंदुस्तान में बेरोजगारी 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 बेरोजगारी? नहीं देखा ना? क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये लोग, इनके मालिक नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का युवा समझे कि नरेंद्र मोदी जी ने और उन्होंने मिलकर आपका पैसा चोरी किया है, बिजनेस बंद करवाए हैं, बेरोजगारी लाई। ये आपको बॉलीवुड की बात करेंगे, चांद की बात करेंगे, आसमान की बात करेंगे, राफेल हवाई जहाज दिखाएंगे, मगर उसमें जो चोरी हुई उसके बारे में एक सवाल नहीं पूछेंगे। और सोचते हैं कि जनता को नहीं मालूम, सोचते हैं कि जनता को कोई समझ नहीं है, मगर नहीं मोदी जी, हिंदुस्तान की जनता को सब कुछ मालूम है। हरियाणा में आपको भी पता लगने वाला है क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने किसान का कर्जा माफ किया, हजारों करोड़ रुपए। नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों का 5,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, 15 लोगों का, अंबानी, अदानी, ये सब इनका, मगर कहीं नहीं लिखा जाएगा। पार्लियामेंट में हमने सवाल पूछा,
हमने कहा भैया बताओ कितना पैसा माफ किया, पार्लियामेंट में कहेंगे मगर मीडिया में आपको नहीं दिखाई देगा। राफेल मामले में एयरफोर्स के लोगों ने साफ बोला, सीधा साफ बोला कि नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं राफेल मामले में कॉन्ट्रैक्ट को बदलवाया। एयरफोर्स का डॉक्यूमेंट था कि प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर था, मीडिया में नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता क्योंकि सच्चाई आपको नहीं दिखानी है, आपको सिर्फ झूठ दिखाना है। कभी चांद के बारे में, कभी राफेल हवाई जहाज के सामने पूजा होगी, डिफेंस मिनिस्टर फ्रांस जाएगा, कभी कॉर्बेट पार्क में मूवी बनेगी, मगर नरेंद्र मोदी स्टेज से हिंदुस्तान के युवाओं को यह नहीं कह सकते कि जो मैंने आपसे वायदा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था वो वायदा मैंने तोड़ा। वो किसान से नहीं कह सकते कि भैया जो एमएसपी आपको मिलनी चाहिए वो मैं नहीं देता हूं, मर लो जाके कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, वो नहीं कहेंगे। मगर सच्चाई सबके सामने है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, किसान आत्महत्या।